पंजाब में मुहाफिज बने लुटेरे, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल 9 मई के वाकयात के बाद पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर फट पड़े। मियां असलम इकबाल ने अफसोसनाक इंकशाफ कर दिया। मियां असलम इकबाल ने ट्वीट में कहा कि 7 मई को मेरी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमानत कन्फर्म हुई तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। चंद रोज कबल रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30-40 लोग दाखिल हो गए और बदतमीजी शुरू कर दी। घर पर सिर्फ वालदा साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे और कहा वो कातिल है, किधर है, उसको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस घर में मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकदी और DVR लेकर चले गए। बेटी का निकाह मंसूख किया क्योंकि सामान तो मेरे पंजाब के मुहाफिज ही लूट कर ले गए। मियां असलम इकबाल ने कहा कि मेरी बड़ी बहनों के घरों में 2-2 दफा रेड किया जा चुका है। मेरी भतीजी के, भाइयों के और दीगर रिश्तेदारों के घर भी रेड की हिरासत किया जो हाथ लगा लूट कर ले गए। उनका कहना था कि आज मेरे सबसे बड़े भाई मियां जावेद इकबाल को CIA डिफेंस लेकर चले गए, उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है, लेकिन मेरे पंजाब के मुहाफिज चीफ सेक्रेटरी से लेकर IG और IG से लेकर नीचे तक के ओहदों पर मजे ले रहे हैं और छोटे मुहाफिज लूट मार कर रहे हैं। अगर मेरी 9 मई के हवाले से कोई ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या क्लिप, कोई मैसेज कुछ है तो सामने लाओ। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।